हाँ बाकी अपन रेट स्टार्ट होता है ना 380 रुपए केजी से, किलो के हिसाब से तोल के देते हैं। हाँ पट्टी से लेना चाहता है पट्टी से भी दे देंगे, और केजी के हिसाब से 380 से मेरा स्टार्ट होता है रेट स्टार्टिंग 300। तो भाई साहब नमस्कार, एक्सप्लोर विद जीपी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं किशनगढ़ के अंदर, कहाँ पे आए हुए हैं ये पूरा बताऊंगा, एक भाई से मिलाएंगे हम। क्या है कि आज हम अजमेर आए हुए थे और एक भाई का फोन आया कि भाई साहब हमारे यहाँ पे भी आओ और एक वीडियो तो लो। तो हम तो अजमेर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी है, तो हम इन भाई से मिलने यहाँ पर आ गए हैं, तो बात करेंगे और आओ मजा आएगा वीडियो देखने का। अच्छा अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। लो भाई लॉक करो इसको। चलो तो सर जी नमस्कार, पहले तो नमस्कार भैया, हम कहाँ पर हैं ये अभी? ये है अजमेर के पास किशनगढ़, किशनगढ़ से मात्र बस स्टैंड से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर मेरा फार्म है। मेरे फार्म का नाम है माता रानी गोट फार्म किशनगढ़। माता रानी गोट फार्म, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजू है। राजू भाई आपकी उम्र कम है और फार्म बड़ा है, थोड़ा समझाइए मेरे को। ये फार्म सर अपने पिताजी वगैरह करते हैं, पुश्तैनी काम है, उसके दायरे में अपन काम कर रहे हैं। जैसे कि पार्टी वगैरह बाहर से आते हैं हम सेट करते हैं, बाकी काम हम पिताजी से कर रहे हैं। अच्छा, जो पार्टी आपको फोन करती है तो आप उनसे बात करते हैं, फिर आप वहाँ पे आके अपने पिताजी से बात करते हैं और वो जो है पार्टी को माल दिलाते हैं। अच्छा, माल किस किस के अंदर डील करते हैं? माल जैसे कि जो नॉर्मल ब्रीड चलती है, सिरोही, गुजरी, अजमेरा, तोतापुरी, बिट्टल, बरबरी, तोतापुरी, सभी ब्रीड में काम करते हैं। और ज्यादातर हम सिरोही, गुजरी, अजमेरा ये अपने फार्म पे अवेलेबल रहती है, सोजत, तोतापुरी, बिट्टल, बरबरी ये ऑर्डर पे काम करते हैं भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑर्डर पे भी काम होता है जी। कुल मिला के ये मैं देख पा रहा हूँ कि होलसेलिंग का काम है। होलसेलिंग का काम है। अच्छा, कितने फार्म है आपके यहाँ पे? ये फार्म है अपने 2 ब्रांच है, एक मेरे घर पे, एक ये मेन पर्सनली जो मेन 2 ब्रांच है। हाँ। एक आपने ये हाईवे पे खोला हुआ है। हाँ। एक घर पे है जी। अच्छा, उसका कारण क्या है ये हाईवे पे खोलने का? उसका कारण है पार्टी गांवों में नहीं जाती है और पार्टी को डर रहता है कि वैसे कि कोई हादसा ना हो जाए। अच्छा, जो गांव आने वाले होते हैं वो गांव आ नहीं पाते हैं जी, गड़बड़ होने की वजह से। तो आपने ये फार्म जो है हाईवे पे खरी, हाईवे पे ही रख लिया है जी। अच्छा, तो मैं देखना चाहूंगा अभी ये क्या है माल के अंदर। ये माल अवेलेबल है सिरोही और अजमेरा और गुजरी में कुर्बानी का, 2024 की कुर्बानी के लिए। 2024 की कुर्बानी के लिए जी। अभी कुर्बानी के बकरों की बहुत डिमांड आ रही होगी वैसे, क्योंकि अभी तो ये रमजान खत्म होते ही तो पार्टी आनी शुरू हो जाएगी, लकड़ी शुरू हो जाएगी, बकरों के लिए ढूंढना शुरू हो जाएगी। रमजान बाद बिल्कुल पार्टी आनी शुरू हो जाएगी भैया। तो रमजान अभी क्या रोजे वगैरह चल रहे हैं? कितने जाते हैं हर साल बकरे? हर साल मेरा 1200 बकरों का सेल रहता है कुर्बानी। जैसे 2023 में मैंने 1200 बकरे सेल किए थे भैया। 2023 में 1200 बकरे सेल किए थे। इस बार क्या टारगेट है आपका? इस बार है भैया, जैसे कि वो तो भगवान बता सकता है या अल्लाह बता सकता है कि क्या टारगेट रहता है। कोशिश आपकी पूरी रहेगी? कोशिश पूरी रहेगी। अच्छा, एक एक बकरा मेरे को बता दीजिए ना, वजन में भी बताते जाइए, दांत भी बताइए, ये है कौन सी नस्ल बताते जाइए साहब। ये सिरोही में है भैया। सिरोही में है। हाँ। क्या वेट में हो गई है? इसका वेट है 60+ kg। 60 से प्लस आएगा, कम नहीं रहेगा। ठीक है, 2 दांत हो चुका है। 2 दांत पे ये बकरा, 2 दांत हो चुका है। अच्छा, रेटों की बात हम बाद में ही बात करेंगे। एक दो और दिखाइए बकरे निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ अभी क्वांटिटी कम किस हिसाब से है ये, मतलब क्वांटिटी भैया देखो वो रमजान के बाद क्वांटिटी 100 पीस अवेलेबल रहेंगे अपने फार्म पे। एनी टाइम 100 पीस हो जाएंगे ना? ये ओरिजिनल गुजरी है भैया। ये गुजरी है। हाँ जी। क्या वजन होगा? वजन तो इसका 80+ वेट है भैया। 80 किलो के अंदर है ना जी। दांत हो गए होंगे इसके? ये 2 दांत में बकरा है ये भैया। अच्छा, ऐसे गुजरी बकरे और बकरियां चाहिए? बकरे तो अभी जैसे अपन बकरों के रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, काफी भाई आपको फोन करेंगे की बकरियां चाहिए, बकरियां भी मिल जाएगी, वो भी मिलेगी ना? चलो उसके बारे में बात करेंगे, रेट के बारे में हम बाद में। जैसे वो ब्लैक वाला लेके आए ना, जिसके ये हाँ कान थोड़े पतले हैं, उसको लेके आओ। ये भी गुजरी में आता है? नहीं, ये गुजरी में नहीं आता, ये अजमेरा में आता है ये। अच्छा, अजमेरा में आता है ये। ठीक है, ये कितने वजन में है? ये अभी 50+ kg है। 50+ kg का है एक बकरा। ये देख लीजिए, ये गुजरी, ये गुजरी है। इसमें गुजरी में 2 कलर आते हैं? 2 कलर आते हैं। एक बार साइड में करते हैं इसको, आ जाओ भाई। ये देखिए, ये कितने वजन में होगा? ये भी 65 किलो+। 65 किलो+ है, प्लस का है जी। अब रेटों की बात करते हैं, क्या रेट्स रहते हैं बकरों से रिलेटेड? ऐसे बकरे की रेट क्या रहती है? रेट तो भैया मैं कॉल करने पे सारे रेट बता दूंगा। हाँ हाँ। बाकी अपन रेट स्टार्ट होता है ना 380 रुपए केजी से, किलो के हिसाब से तोल के देते हैं। हाँ, पट्टी से लेना चाहता है पट्टी से भी दे देंगे। और केजी के हिसाब से 380 से मेरा स्टार्ट होता है रेट। स्टार्टिंग 380। जैसी क्वालिटी लोगे वैसा रेट बढ़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, मैंने काफी सारी सुना है ऐसी जगहों पे, तो 380 एक फिक्स रेट रहता है? ये तो देखो पार्टी अपने फार्म पे आने के बाद थोड़ा डिस्काउंट हो जाता है,
कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अच्छा, वो जो क्वांटिटी भी लेगा, अगर बात भी करेंगे तो आपसे कि कितने बकरे चाहिए, ये सारी चीजें अगर कंसल्ट होती है, ऊपर भी डिपेंड होता है भैया देखो, और बंदे का व्यवहार वगैरह सब कुछ, जैसे कि रेगुलर बंदा रहता है तो उसके कम कमाते हैं थोड़ा पैसा। अच्छा, दो मिनट गाड़ियां निकलने दीजिए। मैं तो यही पूछ रहा था कि क्वांटिटी में कितना, मैक्स टू मैक्स क्वांटिटी में माल बेचते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या सुविधा रहती है, जैसे आयसर वगैरह, पिकअप वगैरह, 4x4 सब कुछ अवेलेबल है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। ऑल इंडिया कहाँ कहाँ माल भेजे हैं यार? मैंने माल भेजा देवनार, महाराष्ट्र, रायपुर, छत्तीसगढ़, यूपी, MP, सब जगह माल जाता है मेरा, गुजरात, बड़ौदा में माल जाता है। अच्छा, ऐसा होता है कि पार्टियां वहां से आती हैं और वो पार्टियां माल लेती है, फिर उसका माल आप भरवा के लोड करवा के भेज देते हैं? जी जी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? बिल्कुल, रस्ते में मेरी गारंटी रहती है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं गारंटी लेता हूं। बिल्कुल, एक बार नाम वापस बता दीजिए आपका। मेरा नाम राजू है, मेरे फार्म का नाम माता रानी गोट फार्म किशनगढ़ है, जो कि अजमेर से 25 किलोमीटर आगे किशनगढ़ आता है, किशनगढ़ बस स्टैंड से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे फार्म है, और ऑन हाईवे पे फार्म है मेरा। देखो दोस्तों, कांटेक्ट करो, अगर आपको ईद की कुर्बानी में काम करना है, आप बकरों की तलाश में है, किशनगढ़ आइए, भाई साहब से मिलिए और लेके जाइए। मेरा यही कहना है आपसे, मैं हर वीडियो में जो बोलता हूँ कि आप इंडिया के किसी भी कोने में है, किसी भी जगह पे है, वहां से यहाँ पे आने में मैक्स टू मैक्स 5,000 रुपए का खर्चा, इतना भी नहीं होता है, लेकिन आप फार्म पे आइए, इनसे मिलिए। अभी हम आपके घर पे भी चलेंगे, वहां पे भी वीडियो बनाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम एक वीडियो और देंगे, या भाई साहब जो बोलेंगे वो करेंगे हम, कि कितने वीडियो हमको यहाँ से मिल जाए, तो वो क्वांटिटी हम सही तरीके से आपको दिखा सके, और यही प्रयास रहेगा। बाकी आप लोग जो है कमेंट करना ना भूलें, कैसा लगा ये फार्म, कैसा लगा ये वीडियो, क्या डिमांड है कुर्बानी के लिए, कौन कौन खरीदारी करने आने वाला, ये भी कमेंट कर देना, और कहाँ कहाँ से आपका जो शौक है, ये गुजरी और सिरोही और तोतापुरी बिट्टल बर्बरी काम करते हो, सोजत में भी है? सोजत में भी है। ठीक है भाई साहब, तो कमेंट करिएगा आपको किस नस्ल के बकरे पसंद, उनको कॉल करिए, नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। थैंक यू सो मच।